सी हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी, अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का ब्लॉग यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया, ये है रमज़ान से एक दिन पहले का ब्लॉग। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मेरी अपी आई हुई है रहने के लिए और हम लोग उस दिन भाई सैल करने के लिए भी गए थे और उसकी वीडियो भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और ये रात को हम लोगों ने ट्रीट दी थी अपनी अपी को और बर्गर्स मंगवाए थे और पिज़्ज़ा भी मंगवाए थे और ये उसकी वीडियो मैंने बना ली थी, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और रोज़े से एक दिन पहले की है और मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसने भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दें। और यहाँ पर हम लोग बस छोटी मोटी सी पार्टी इंजॉय कर रहे हैं और बस ये आप ही आज की रात है, कल सुबह वो चली जाएंगी और फिर उसके बाद रमज़ान स्टार्ट था। और यहाँ पे बस हम लोग बर्गर से हम लोगों ने ऑर्डर किए थे रात का, मेरे हाल से 3:30 बजे का टाइम था ये। और उस टाइम पे हम लोगों ने बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और ये चीज़ें थी, हम लोग अभी बाइट से सैल करके आए थे और उसके बाद फिर हम लोग ने चाय वगैरह पी थी लेकिन फिर भूख लग गई और उसके बाद फिर हम लोगों ने बाइट से बर्गर मंगा ले और फिर यहाँ पर रिंग लाइट ऑन की थी। और मैंने कहा चले आप लोग के साथ ये क्लिप शेयर करूँगी, ये मेरी आप ही हैं और हम लोग बैठे हुए थे, मैंने वीडियो यहीं से बना ली, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि मैं मुझे अच्छा लगता है आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर करने का। और यहाँ पर मैं बस यहाँ पर वीडियो बना रही थी और सब हम सब बैठे हुए थे इकट्ठे, फिर हम लोग यहाँ पर मैंने वीडियो बना ली, बस ये है छोटी मोटी सी वीडियो थी आपके साथ, मैंने कहा शेयर कर दूँ। और यहाँ पर बस यहाँ पर लाइट कम थी और यहाँ पर फिर रिंग लाइट ऑन कर ली थी, तो यहाँ पे फिर बच्चे थे और हम लोगों ने खा ली थी, फिर आपको पता बच्चे आए हुए थे इन्जॉयमेंट कर रहे थे और यहाँ पे ये छोटी वाली बेबी थी और ये डांस कर रही थी यहाँ पर, तो फिर मैंने वीडियो यहाँ पर इसकी भी बना ली थी। और वैसे ही फिर मैंने कहा आप लोग के साथ इसका क्लिप शेयर करूँगी और आप लोग देखिएगा, बच्चे थे और ऐसा लग रहा था इतनी रौनक हुई हुई थी घर में। और उसके बाद फिर वो लोग चले गए, उसके बाद फिर हम इतने सैड हैं, उनको इतना याद करते हैं जब आते हैं और इतनी रौनक हो जाती है। और यहाँ पे बस ये लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, देखे भी मैंने क्लिप बना लिया था, मैं कहा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे इतना हमें अच्छा लग रहा था बच्चों के साथ, सबके साथ इकट्ठे थे हम, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे ये देखें बस अपनी मस्ती में मस्त हुए हुए दोनों। और ये देखें तो मैं वीडियो बना रही थी इनकी, ये देखें दोनों बैठ गए हैं माशाल्लाह से, बहुत क्यूट हैं, वीडियो देख के ज़रूर माशाल्लाह बोल दिएगा आप सब। और यहाँ पे ये देखें बस मैं इनकी वीडियो बनानी, और हाँ सच इसका ना ये छोटी वाली का पाँव जल गया था, ये देखें टांग सारी इसकी जल गई हुई, इसके ऊपर चाय गिर गई थी गरम गरम और सारी इसकी ये देखें टांग जल गई थी, तो फिर भी ये देखें बहादुर है इतनी, तो ये लगी हुई है तो बस ये बस जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी अपने हस्बैंड की जेल है, ये स्नेक वाली बालों पे लगाने वाली, ये काफ़ी अच्छी है, तो मैंने ये ली थी, हम लोगों ने नई तो ख़त्म थी, मैंने कहा ओपनिंग आपके सामने करूँगी, आपके सामने दिखाती हूँ ओपन करके इसको, इसकी पैकिंग ऐसी होती है कुछ आगे से और ये पीछे से कुछ ऐसी होती है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ, अगर किसी ने यूज़ करनी है तो प्लीज़ ये रेकमेंड है आपके लिए, यूज़ करें इसको, काफ़ी अच्छी है। और ये देख लें मैं आप सबको दिखा रही हूँ आगे पीछे से सारी की, इस तरह होती है, इस पैकिंग में ये आती है और इसके काफ़ी फ्लेवर हैं, कोकोनट भी है और गार्लिक भी है, लहसुन वाला भी है इसमें और काफ़ी फ्लेवर है इसमें जेल में ना, स्नैक भी है और काफ़ी तरह के इसमें यानी कि फ्लेवर है, अपनी मर्ज़ी के आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं अकेली वीडियो भी बना रही थी और इसके बाद इसको ओपनिंग भी करनी थी क्योंकि ये फुल पैकिंग में होती है, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा इसकी जेल का, तो ये काफ़ी अच्छी है, रेकमेंड है, मैं आपको करूँगी, प्लीज़ आप लोग ये लीजिएगा और यूज़ करिएगा, काफ़ी अच्छी रहती है बालों में और बाल ख़राब भी नहीं होते इससे, और इसको ज़रूर यूज़ करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ये काफ़ी अच्छी है। देखिए मुझे तो इसकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त लगती है
बस इसको मैं ओपन करूँगी, ओपन करके आपको दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पैक किया हुआ है। और यहाँ पर देखें, मैं बना रही थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे बस जल्दी से ये देखें, इसकी ना मैंने आपको बताना था, ये साइड से ओपनिंग होती है, ये देखें। और इस अगर आप लेंगे तो ये इस तरह होगी, अंदर से इस तरह होगी, बाहर से ऐसी होगी। और ये इस तरह की ये डिब्बी होती है सिल्वर की, ये देखें। और अब इसको भी बाहर में निकालूँगी, अभी ये भी पैकिंग में ही है, ये देखें वाइट कलर के। और इसको भी मैंने बाहर निकाल लिया, ये हम लोगों ने स्नैक का फ्लेवर लिया हुआ है और ये काफ़ी अच्छा है। और बस ये देखें पीछे, इसके पीछे भी ऐसे ही होता है। और ये देखें आप सब, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। और मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये ऐसी होती है। और यहाँ पे देखें अभी भी ये पैकिंग में है अंदर भी। और ये देखें यहाँ पर अभी भी मैं इसे ओपनिंग नहीं हो गई है। और इसके बाद ये देखें मैं इसको आपको खोल के भी दिखाती हूँ। और ये हर चीज़ यहाँ पर इसकी लिखी है, ये देखें माशाल्लाह से। मुझे हाँ एक बात है कि अगर इसके फ्लेवर आप चेंज वगैरह लेंगे, कुछ किसी में ये हाफ़ निकलती है, हाफ से भी कम होती है कभी, और कभी हाफ भी होती है, और कभी पूरी। यहाँ पे ये खुल नहीं रही थी, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा दिखाएं मैं खोलता हूँ, तो वो भी खोल रहे हैं यहाँ पर। ये देखें अंदर से भी अभी ये पैक है, अभी भी ये देखें आप सब, ये ऐसी है, अभी भी ये खुलेगी। और ये देखें माशाल्लाह से इसको मैं अभी खोल रही हूँ। काफ़ी अच्छी इसकी स्नेकनेस बहुत अच्छी है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। मुझे तो इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत ज़बरदस्त। और मैं मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये। और मैंने भी काफ़ी टाइम मतलब ये यूज़ किया अपने बालों पे। और जब भी हम हेयर स्टाइल बनाए, आपको पता बाल उड़ जाते हैं यानी कि ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इसको लगाने से बाल टच से मस्त नहीं होते, बिल्कुल ठीक रहते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इस तरह से अंदर से ऐसे हो गई है, देखिए जल जल की तरह हो गई है अंदर से ऐसे, ये देखिए। और ये देखें मैं आपको अभी हैंड पे भी रख के दिखाऊँगी कैसे हो गई है। और ये ऐसी है। और मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक कल वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी कल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।